गोरखपुर मंडल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इसके संबंध में मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि मंडल में इस समय कुल एक्टिव केसों की संख्या 1500 है, जिसमें गोरखपुर में जनपद में 800 एक्टिव केस तथा अन्य तीनों जनपदों में 200 केस पाए गए हैं। मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि सिर्फ गोरखपुर जनपद में 28,000 टेस्ट कराए जा चुके हैं, शेष तीनों जनपदों में 15,000 जांच कराए जा चुके हैं। मंडल आयुक्त ने कहा कि जांच की सीमा अधिक होने से संक्रमित मरीजों की पहचान हो जा रही है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि मंडल में मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। 5,000 से ज्यादा L1 के बेड, L3 के करीब 200 बेड BRD मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब एम्स में भी इलाज की व्यवस्था अति शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है। मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि L2 लेवल के बेडों की सुविधा और शुरू की जाएगी और प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, देखिए मंडल में यदि एक्टिव केसेस की इस समय हम बात करें तो इस समय लगभग 1500 केसेस हमारे कोरोना के एक्टिव हैं। 800 से ऊपर केसेस एक्टिव गोरखपुर जनपद में अकेले हैं और लगभग 200 केसेस जो हैं तीन जनपदों में 200-200 केसेस हैं। और उसमें एक कारण ये भी है कि गोरखपुर जनपद में हमने टेस्ट जो हैं करीब 28,000 कर लिए हैं, बाकी जनपदों में लगभग 15,000 हैं और एंटीजन किट आ गई है, अब हम उसका बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग करेंगे। जो एक्टिव केसेस की संख्या ज़्यादा आ रही है ये उतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इससे हमें बीमारी के बारे में पता करके हम आइसोलेट करके पेशेंट को ट्रीट करके ये संक्रमण से बचाव करने में ही मदद करता है। इसलिए अनुरोध ये है कि जो भी पॉजिटिव हैं और जिया जिन्हें संदिग्ध लग रहा है वो आगे आएँ और हम लोग को बताएँ, टेस्ट कराएँ और अपने को आइसोलेट करें। यदि क्रिटिकल हैं तब हम उनको हॉस्पिटल में या जहाँ भी नियमानुसार उनको भर्ती किया जाना है वो करेंगे। एक दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन जो है ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रहनी चाहिए, इसे हमें अक्षरशः जीवन में उतारना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण से यदि गोरखपुर मंडल को बचाना है, जनपद को बचाना है, तो हमें इन नियमों का पालन ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा। सर इलाज के लिए क्या व्यवस्था कितनी दे रहे हैं? देखिए यदि आप मंडल में बात करें, हमने 5,000 से ज़्यादा L1 के बेड रखे हुए हैं, L3 के करीब 200 बेड हमारे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में अब एम्स में भी वो व्यवस्था शुरू अति शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे इसी वीक अपनी L2 फैसिलिटी शुरू कर रहा है और इसके साथ साथ चारों जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि L2 फैसिलिटी किसी भी फॉर्म में जिसमें ऑक्सीजन हर बेड पर हो और वेंटिलेटर कुछ हो वो शुरू करें। तो इस वीक में हम L2 फैसिलिटी और ज़्यादा इस मंडल में शुरू करेंगे। सर ऑक्सीजन की बात कर रहे थे कल मुख्यमंत्री साहब, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो कोरोना की संक्रमण है इसमें लंग्स इफेक्ट होते हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नीचे जाता है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हर पेशेंट के लिए L2 फैसिलिटी में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा हो, वो हम कराने का प्रयास कर रहे हैं।